हेलो एवरीवन, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव दैट इज एसे राइटिंग प्रैक्टिसेस फॉर वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन, बी इट ऑफ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, बी इट ऑफ IBACIO एग्जाम, और ये आपको ड्यूरिंग SSB प्रोसीजर जो आपका होता है CDS, NDA एंड FCAT, उसमें जो आपका लेक्चरेट टॉपिक्स होते हैं, दिस पर्टिकुलर एसे राइटिंग प्रैक्टिस विल ऑल्सो हेल्प इन ड्यूरिंग दैट नरेशन. सो लेट्स स्टार्ट. द टॉपिक इज द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया. दैट पर्टिकुलर टॉपिक वॉज आस्क बाई UPSC इन 2017 इन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम. और इस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच करने से पहले कुछ क्या गाइडलाइंस होंगी आपको पता होना चाहिए. डू नॉट अब्रप्टली स्टार्ट राइटिंग इन द एग्जामिनेशन रूम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ माइंड मैप और ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी, क्या वट इन विच वे आई वॉन्ट टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई सम की वर्ड्स गिवन इन द टॉपिक. वट आर द की वर्ड्स? आई थिंक फर्स्ट इज द नीड इज एन इम्पोर्टेंट की वर्ड. सेकेंड इज कॉमन सिविल कोड एंड द थर्ड वन इज इट इज टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर इंडिया, नॉट एनी अदर कंट्रीज. सो द नीड, वट इज द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया? सो नीड का मतलब है वट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, क्या कॉन्टेक्स्ट है, वट हैज हैपन्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस और बिफोर द इंडिपेंडेंस, हाउ सोसाइटी इवॉल्व्स, और डज इट हेल्प इन द नेशनल इंटीग्रेशन, और डज इट एबल टू ब्रिंग मोर जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन. सो ये आपने इस टाइप से पर्टिकुलर आपको इंट्रो देना. सो व्हाट विल बी योर इंट्रो कि नीड क्या है? आप एक एक पिक्चर दिखाइए, छोटी सी पिक्चर, कि व्हाट विल बी इन योर एसे, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि आप इसको कैसे अप्रोच करने जा रहे हैं. सो एग्जामिनर को अगर आप इंट्रो इस तरह का देंगे तो बहुत ईजी होगा एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में और समझने में कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की अप्रोच क्या है इसमें. ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू चेक योर अप्रोच विद दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक गिवन. सो योर इंट्रो कैन बी दैट द नीड ऑफ सिविल कॉमन सिविल कोड इज टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी, दैट इज नेशनल इंटीग्रिटी. अनदर इज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन. तो आगे हम जब इसको अच्छे से लिखेंगे पूरा कंडीशंस में, एग्जाम लाइक कंडीशंस में, तो मैं आपको पूरा इलेबोरेट करके दिखाऊंगा कि हाउ यू शुड हैव रिटन दिस इंट्रो. सो हम अभी क्या कर रहे हैं, मेनली वी आर डूइंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द नीड. नीड को आप थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दीजिए, इस तरह से बोलिए कि करंटली देयर आर मल्टीपल पर्सनल लॉ. जो इस कॉमन सिविल कोड को हम क्या बोलते हैं, इट्स अनदर नेम ऑफ पर्सनल लॉ. पर्सनल लॉ मीन्स ऑल द फैमिली थिंग्स लाइक अडोप्शन, मैरिज, डाइवोर्स, ऑल दिस थिंग आर कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस पर्सनल लॉ. सो फॉर हिंदू देयर इज डिफरेंट पर्सनल लॉ, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट. फॉर मुस्लिम्स देर आर मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ. एंड इफ देर इज इंटरफेथ मैरिज, दैट इज वन हिंदू और वन मुस्लिम, वन क्रिश्चियन, वन सिख, सो देर इज स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. ठीक है, नाउ हम क्या कर रहे हैं, अभी वी आर डिस्कसिंग द नीड. सो नीड में हमने इंट्रो लिख दिया, नीड में हमने क्या लिख दिया, देर आर करंटली मल्टीपल पर्सनल लॉ. इससे क्या होता है, इट हैज क्रिएटेड अ सम लूप होल्स इन द सिस्टम, लूप होल्स इन द करंट जुडिशियल सिस्टम, एंड ऑल्सो ब्रॉट इनएफिशियंसी इन द सिस्टम. और क्या है इसमें हम डाल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आप बता सकते हैं दैट दैट ड्यू टू दिस करंट
uncommon civil code that there are many cases like Shah Bano cases. Most of you are aware that Shah Bano case 1985. In this case, one Muslim woman filed a case against her husband that her husband उसने उनको डिवोर्स दे दिया था एंड ही वॉज नॉट प्रोवाइडिंग हर मेंटेनेंस. सो अनदर इम्पोर्टेंट केस वॉज डेनियल लतीफी केस. दिस पर्टिकुलर केस इज रिगार्डिंग द इंटर कन्वर्जन. एंड अनदर इज सरला मुदगल केस. तो आपको जरूरी नहीं आप तीनों केस लिखिए. मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द थ्री केसेस बट दिस फेमस केस शाह बानो केस को आप प्लीज जरूर कोट कीजिए. अनदर इज we have talked about this need. Now we are going to talk about this common civil code. Why do we need a common code? Do we have some backing from the constitution that common civil code? Does our constitution talk about common civil code? Yes, under article 44 of a constitution we talks about common civil code. What about another that fundamental rights, like under article 15 we also talk about no discrimination against any individual with respect to his religion. Another is article 25, article 26, 27 and 28. We know 25 is like the right to freedom of conscience and 26 is establishment and administration of religious institution. 28 it's education institution. 27 is levy of taxes. So what all these articles in a given constitution signifies? The main thing is it signifies religious freedom and secularism in India. सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस बारे में बात करता है. अनदर मेजर अमेंडमेंट लाइक 42nd अमेंडमेंट एक्ट. इन दिस अमेंडमेंट एक्ट वी इंसर्टेड अ वन पर्टिकुलर वर्ड इज सेक्युलरिज्म इन द प्रीएम्बल. सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग फॉर द आइडिया ऑफ कॉमन सिविल कोड. हमने अभी क्या क्या बात कर ली. वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड and now we are discussing the common civil code ke bare mein. We are doing the mind mapping. So common civil code ab humne itna discuss kar liya. So how common civil code will change our society, to kya changes laega. So now we are going to talk about in favor of common civil code. Favor mein hum common civil code ke baat karenge. So how, the one idea we have already discussed that due to the diversity in the India, due to many multiple religion and some different practices, there is some loophole or common ground nahi milta to some weak gender or women ko, they are not getting the common ground. So to integrate India. Take a first argument in favor of this uniform civil code of my is to integrate India. Another is it also promotes secularism. Under Amendment 42nd Amendment Act, secularism word was also inserted, and it also promotes the idea of secularism. Third is every change, every modern society brings some change in it due to some passage of time. So uniform civil code, if it brings in our country, it also shows that our country follows a path of moderate progressive nation. So moderate progressive nation ek signal deta hai dusri countries ko bhi. Another is, does this codification and unification of uniform civil code, will it help our judicial system? Yes, it will help. So one codification and unification, it will help our judicial system bring more efficiency. So more efficiency will be there,
another is our system will be more coherent. अभी क्या है, देर आर मल्टीपल पर्सनल लॉ, लाइक हिंदू लॉ में कुछ अलग है, मुस्लिम लॉ में देर आर अलग, कुछ डिफरेंट है. सो देर आर सम लूप होल्स. सो लूप होल्स को प्लग करने के लिए वी नीड टू ब्रिंग न्यू कोडिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन इन द यूनिफॉर्म सिविल कोड. और वन थिंग इज दिस, डिफरेंट पर्सनल लॉ, डिफरेंट डिफरेंट सिविल कोड, दे ऑल्सो वायलेट्स द ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स. अब हमने फेवर की बात कर ली, एंड वट अबाउट द चैलेंजेस? अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है इंडिया में, सो वट विल बी द चैलेंजेस? वी नो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, डिफरेंट ओपिनियन पीपल इज देयर, एवरीबडी हैज राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, एवरीबडी हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइज. तो आप, वट इज द चैलेंज? तो आप इसमें किसकी हेल्प ले सकते हैं? जो भी आपने पॉलिटी पढ़ी थी, ठीक है, लक्ष्मीकांत में इट इज वेरी वेल रिटन दैट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी हैव डिफरेंट से इन दिस. सो टू ब्रिंग ऑल डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी इन कंसेंसस, डिफिकल्ट, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज. सो वी नीड टू ब्रिंग ऑल at a consensus. So it is a challenging task. Dusra challenge kya hai? Another challenge is the misinformation about uniform civil code. Misinformation kya hai? That some minority believes that it is the way of imposing majority view on them. सो जो मेजोरिटी का व्यू होगा वो इम्पोज करेंगे किस पे? माइनॉरिटी पे. सो देर इज सम कम्युनल एंगल इन दिस. ऐसा किसका है? ऐसी अप्रिहेंशंस है माइनॉरिटीज में, अप्रिहेंशंस ऑफ माइनॉरिटीज. इसको भी हमें एड्रेस करना है विद टाइम. अनदर इज इट मे क्रिएट सम टेंशन. सो कम्युनल टेंशन. So now we are going to talk about this way forward. ठीक है, what will be your way forward? Way forward क्या है? Because since it's a big change, suddenly radical change, so we cannot bring it overnight. We need to take every party, every religious community leaders or minority or majority at a common ground, उनसे discuss करना होगा, ठीक है. दे हैव टू बी कीप इन कॉन्फिडेंस एंड विद स्ट्रोंग पॉलिटिकल विल, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन. वी नीड टू ब्रिंग अ न्यू ला ना, सेपरेट ला. सो स्ट्रोंग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड टू डील विद और टू ब्रिंग न्यू यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अवर सोसाइटीज नीड. तो आप इस पर्टिकुलर इसको टॉपिक को ऐसे भी अप्रोच कर दीजिए. तो मैंने क्या किया, अभी मैंने ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया. ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आई हैव रिटन द एक्चुअल ऐसे, आप देखिए, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू नरेट. जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को सिर्फ बाय यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस और जैसे लिंकिंग वर्ड यूज करके, कंजंक्शन यूज करके, कुछ आइडिया, दो आइडिया को कनेक्ट करके आई हैव रिटन दिस. इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज का खेल है. फर्स्ट इज, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो. मैंने कैसे लिखा है? टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड जेंडर जस्टिस. जेंडर जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ वीमेन इन इंडिया, कॉमन सिविल कोड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस विच एवरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी रिक्वायर्स. तो मैंने एड ऑन क्या किया है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कॉमन सिविल कोड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, दिस इज अवर इंट्रो. इंट्रो में आपको क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा है? फर्स्ट इज आई हैव टॉक्ड अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या आएगा, नेशनल इंटीग्रेशन. एंड अवर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम जेंडर इनजस्टिस, नॉट अवर ओनली अवर कंट्री बट थ्रू आउट द वर्ल्ड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज प्रेवलेंट. अनदर इज इक्वालिटी, थर्ड इज डिग्निटी ऑफ वीमेन. सो इफ यू ब्रिंग कॉमन सिविल कोड दीज इंपॉर्टेंट चेंजेस, that civil common civil code is one of the important changes which every progressive society requires.
इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इसके बाद आई हैव टॉक्ड अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मतलब व्हाई वी नीड कॉमन सिविल कोड। सो आई एम फुलफिलिंग द नीड ऑफ द गिवन टॉपिक। सो उसमें नीड वर्ड को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट हैपन इज टू इनकॉर्पोरेट द नीड ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी एंड सोसाइटी, वी ब्रॉट मल्टीपल पर्सनल लॉ। सो मैंने मल्टीपल पर्सनल लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया, देखिए जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस मैंने एक लिंकिंग लाइन लिख दी, उससे मेरा ऊपर वाला और नीचे वाला कनेक्ट हो गया। सो डिफरेंट मल्टीपल पर्सनल लॉ सच एज हिंदू मैरिज एक्ट, सेकेंड इज मुस्लिम पर्सनल लॉ, थर्ड इज स्पेशल मैरिज एक्ट। सो क्या हुआ, दीज डिफरेंट मैरिज एक्ट क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सम लूप होल्स इन पर्सनल लॉ, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, सम अनएथिकल एंड इमोरल प्रैक्टिसेस हैव टेकन प्लेस इन सोसाइटी विच अगेन क्रिएटेड जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनजस्टिस एंड ऑल्सो पुट सम अनएम्पावर्ड वुमेन एट मिजरेबल कंडीशन। सो आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन। सो सम फेमस केसेस मैंने जो आपको वहाँ पे डिस्कस किए थे लाइक, और उसको मैंने इससे कैसे कनेक्ट किया है ड्यू टू विद सम आइडियाज लाइक सम फेमस केसेज विच ब्रॉट इन टू लाइट आर शाह बानो केस 1985, डेनियल अर्तिफी केस एटसेट्रा, बट कंडीशंस रिमेन्स द सेम एज इट वॉज ऑफ अ वीमेन और अ सोसाइटी। सो कंडीशन इज सेम, सो हाउ टू ओवरकम दिस कंडीशन। मैंने अब कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ली है, आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन talks about uniform civil code under article 44 of DPSP and also under article 15, 25, 26, 17, 27 and 28, which also ensures religious freedom and secularism, which again enforced by inserting word secularism preamble by 42nd amendment act. So मैंने जो भी मैंने पॉलिटी पढ़ी थी उसकी हेल्प लेके by थोड़ा सा ट्वीक करके वर्ड्स में मैंने अपनी नीड को फुलफिल कर दिया जो गिवन टॉपिक में पूछी थी। सो द नीड ऑफ कॉमन सिविल कोड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, और मैंने ये डिस्कस किया, द नीड ऑफ कॉमन सिविल कोड इज आल्सो जस्टिफाइड थ्रू इट्स मेरिट्स। अब मैंने इसकी मेरिट्स की बात की है, जो मैंने आपको एडवांटेज बताई थी ना द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मैंने यहाँ पे मेरिट्स लिखा है, सच एज कोडिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन विल मेक जुडिशियल सिस्टम मोर कोहेरेंट एंड लूप होल्स कैन बी प्लग्ड, ये मैंने डिस्कस किया है, एंड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आल्सो सिग्निफाइज मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन एंड प्रमोट्स सेक्युलरिज्म एंड इम्प्रूव वुमेन्स कंडीशन एंड एंश्योर्स ह्यूमन राइट। ये मैंने बात पूरी करके अब मैं किस पे आता हूँ कि चैलेंजेस क्या है, तो मैंने ये पैरा हर एक पैराग्राफ मैंने हर एक चीज़ को दिया है। सो 300 वर्ड्स में यू नीड टू मेक डिफरेंट पैराग्राफ्स, फर्स्ट इज फॉर इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज फॉर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है टॉपिक की, दैट इज अगर नीड की रिक्वायरमेंट है जैसे मैंने नीड को फुलफिल किया, उसके बाद क्या चैलेंजेस आएंगे, उसके बाद क्या वे फॉरवर्ड क्या होगा। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सम चैलेंजेस। सो व्हाइल एड्रेसिंग सम चैलेंजेस, यूनिफॉर्म सिविल कोड कांट बिकम रियलिटी, देयरफॉर मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट यूसीसी। सो व्हाट आर द चैलेंजेस, वन इज मिस इन्फॉर्मेशन, अनदर इज सेंटीमेंट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी शुड गो अनहार्म्ड, सो उनको कॉन्फिडेंस में भी लेना है, सो इट शुड नॉट कम अब्रप्टली, टॉप टू डाउन प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी बॉटम टू टॉप, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर डिस्कस करना है लोगों से, सो इट शुड बी इन दिस वे। अब मेरा क्या है, दिस इज अ कंक्लूजन, वी ऑल नो इट इज अ बिग चेंज, देयरफॉर चेंज मस्ट कम फ्रॉम विद इन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अवर सोसाइटी एंड अवर नेशन अ फॉर्मिडेबल वन। सो मैंने क्या किया है, किसी भी वन पर्टिकुलर पैराग्राफ को हेडिंग नहीं दी, जैसे वे फॉरवर्ड को वे फॉरवर्ड नहीं लिखा, चैलेंजेस को मैंने स्पेशल ऐसे चैलेंजेस लिख के उसकी अंडरलाइन नहीं की, नहीं, आपको चैलेंजेस लिखना है उसी में ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है, जब भी उसमें टोटल फील आती है यस इट इज एन एस्से, अदरवाइज वो क्या लगेगा, आपका जीएस का आंसर है, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो बच्चे लिखते हैं जनरल स्टडीज पेपर में, वो वाला फील आएगी। आपको सिर्फ पैराग्राफ बनाने हैं, ब्रॉड ब्रैकेट लगानी है, नेम ऑफ कॉमन सिविल कोड टाइप जैसे ऐसे, सो दिस इज अवर वन पर्टिकुलर ऐसे। अगर आप इस पर्टिकुलर ऐसे को आइडियल मान के चलिए, सो आउट ऑफ 20 इजिली यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 10 मार्क्स, ठीक है, तो इजिली 10 मार्क्स, 10 से ज़्यादा ही मिल सकते हैं लेकिन 10 से कम नहीं मिल सकते, ये इस तरह का ऐसे है। सो
आप, आई होप आप सबको ये कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल ब्रिंग विद अनदर न्यू टॉपिक। सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।